नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुरुदत्त, गीता दत्त और वहीदा रहमान का है। फिल्मबाजी के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान गुरुदत्त की नज़र गीता दत्त पर जाकर ठहर गई। गीता उस समय तक एक बड़ी हस्ती बन चुकी थी और गुरुदत्त संघर्ष कर रहे थे। गीता बिल्कुल गुरुदत्त की फिल्मों की तरह थी, डार्क और ब्यूटीफुल। गीता और गुरुदत्त के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ी और करीब 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने साल 1953 में शादी कर ली। 3 बच्चे हुए दोनों के। शादीशुदा गुरुदत्त और गीता दत्त की खुशहाल भरी जिंदगी महज कुछ ही दिनों की थी। इसके बाद दोनों के बीच शादी के बाद काफी दूरियां आ गईं। वहीं गुरुदत्त अपनी फिल्म सीआईडी के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे और इसी बीच उनकी नजर एक हसीन चेहरे पर पड़ी। वो हसीन चेहरा कोई और नहीं बल्कि वहीदा रहमान थी। वहीदा उन दिनों साउथ सिनेमा में काम कर रही थी। वहीदा को देखते ही गुरुदत्त को ऐसा लगा कि जैसे उनकी तलाश अब खत्म हो चुकी है। वहीदा को इसके बाद स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया और वो सिलेक्ट हो गई। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। गुरुदत्त अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे और इधर उन्हें दोबारा से इश्क हो गया। वहीदा जानती थी कि गुरुदत्त शादीशुदा हैं, इसलिए वो प्यार को स्वीकार करने से कतराती थी। साल 1959 में गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल रिलीज हुई, लेकिन ये उस वक्त की फ्लॉप फिल्म रही। फिल्म की नाकामयाबी गुरुदत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर शराब में डूब गए। और इसके बाद साल 1960 में गुरुदत्त और वहीदा की फिल्म 14वीं का चांद आई और ये हिट साबित हुई। फिल्म प्यासा के लिए गुरुदत्त पहले दिलीप कुमार को लेने वाले थे, लेकिन जब वहीदा की फिल्म में एंट्री हुई तो उन्होंने खुद ही उनके अपोजिट काम किया। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और दोनों की जोड़ी भी दर्शकों के दिलों पर राज करने लगी। इधर गुरुदत्त की पत्नी को दोनों के अफेयर की खबर लग गई थी। गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त को जब वहीदा और गुरुदत्त के बारे में पता चला तो वो बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गईं और गुरुदत्त से साफ कह दिया कि वो वहीदा या गीता में से किसी एक को चुन लें। आखिरकार वहीदा के प्यार में डूबे होने के बावजूद भी गुरुदत्त ने गीता को चुना। गीता को चुनने के बाद भी गुरुदत्त के दिल से कभी वहीदा निकल नहीं पाई और इस बीच गुरुदत्त ने कई बार खुदकुशी की कोशिश की। कहीं ना कहीं गीता भी समझ चुकी थी कि अब गुरुदत्त और उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। 10 अक्टूबर साल 1964 एक ऐसी रात आई जिसके बाद गुरुदत्त हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। वहीदा से अलगाव के बाद से ही गुरुदत्त शराब के आदी हो चुके थे। उन्होंने उस रात भी खूब शराब पी और फिर नींद की गोलियां खाकर सो गए। ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। गुरुदत्त ने गीता दत्त और वहीदा रहमान के बीच में से किसी को नहीं चुना। गुरुदत्त ने चुनी तो सिर्फ मौत। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।